दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों अगर आप जो है पॉलिटेक्निक के छात्र हैं या फिर आईटीआई के छात्र हैं या फिर ग्रेजुएशन छात्र हैं, अगर आप जो है यूपी के किसी भी कोर्स के छात्र हैं तो आपके लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपके लिए जो है यूपी स्कॉलरशिप के संबंध में गवर्नमेंट के द्वारा एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी जारी की गई है। जो दोस्तों अगर आप जो है अपना स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आपके लिए जो है यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपके यूपी स्कॉलरशिप को आपके अकाउंट में भेजने के संबंध में देखिए बताया गया है कि 28 दिसंबर और 24 फरवरी को खाते में जाएगी छात्रवृत्ति। दोस्तों यहां पर आपको जो है सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना है और यहां पर बताई गई सभी बातों को आपको जो है बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। चाहे आपने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है या फिर नहीं भरा है, सभी छात्रों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जो है कब फॉर्म भरेंगे तो आपका जो है 28 दिसंबर को स्कॉलरशिप आएगी और कब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप जो है 24 फरवरी को आएगी। आपको कब, क्या और कैसे करना है सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने देखिए बताया है कि जो यूपी स्कॉलरशिप है वह सभी स्टूडेंट के अकाउंट में जो है 28 दिसंबर और 24 फरवरी को जो है भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ देखिए नीचे बताया गया है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के सभी जाति के गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि उनके बैंक खातों में भेजे जाने की समय सारणी बदल दी गई है। इस बार 28 दिसंबर और फिर अगले साल 24 फरवरी को आवेदक छात्र छात्राओं के बैंक खातों में यह राशि भेजी जाएगी। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं यह आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। आपको इस डेट को ध्यान रखना है और इसी डेट को ध्यान में रख करके आपको सभी कार्य को करना है। तो कौन से कार्य को करना है सारी बातें आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। देखिए आगे देखिए बोला गया है कि अभी तक 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि खातों में भेजी जाती थी। दोस्तों देखिए बताया गया है कि इस साल से पहले जो है जो आपकी स्कॉलरशिप है वह आपके अकाउंट में 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को भेजी जाती थी, लेकिन दोस्तों इस बार जो है आपके डेट को बदल दिया गया है। इस बार जो है 28 दिसंबर और 24 फरवरी को आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी। और दोस्तों किन छात्रों के अकाउंट में जो है स्कॉलरशिप आएगी उसके बारे में देखिए आगे बताया गया है कि समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 नवम्बर तक जिन छात्र छात्राओं के आवेदन भरे जाएंगे और 15 नवंबर तक शिक्षण संस्थानों से जिनके आवेदन सही होने का डेटा मिलेगा उनको 28 दिसंबर को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि बैंक खातों में भेज दी जाएगी। दोस्तों आप यहां पर बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट जानकारी को देख सकते हैं। यहां पर आपका समाज कल्याण विभाग यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने जो स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो भी छात्र जो है अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को जो है 7 नवंबर तक जो है भर देंगे और इसके साथ साथ जो है 7 नवंबर तक भरने के बाद जो भी छात्र अपने कॉलेज में अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को जो है जमा कर देंगे और आपका जो कॉलेज है आपके स्कॉलरशिप फॉर्म का जो डेटा है उसे चेक करके 15 नवंबर तक जो है आपके जिला समाज कल्याण विभाग को जो है अगर वह फॉरवर्ड कर देता है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वह 28 दिसंबर तक आपके अकाउंट में दोस्तों आ जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि 28 दिसंबर को ही आपके अकाउंट में आपकी छात्रवृत्ति गवर्नमेंट के द्वारा भेज दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो है इस पूरे न्यूज में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देना है कि जो भी छात्र जो है 7 नवंबर तक अपने स्कॉलरशिप फॉर्म यानी कि दोस्तों फाइनल सबमिट कर देंगे और उसके बाद जो है 15 नवंबर से पहले जो है कॉलेज में जमा करके और कॉलेज उनका डाटा जो है 15 नवंबर तक कॉलेज जो है उनका डाटा चेक कर देता है और उसे सही बता देता है तो आपकी छात्रवृत्ति दोस्तों 28 दिसंबर तक आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आपको जो है ध्यान रखना है। और अगर आपके कॉलेज में किसी भी आपके टीचर को या फिर किसी भी स्टूडेंट को जो है इस डेट के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिनको यह डेट पता नहीं होता है और वे बच्चों के फॉर्म को जो है डेटा को चेक नहीं करते हैं और आगे जो है आपके समाज कल्याण विभाग को जो है फॉरवर्ड नहीं करते हैं, जिसके वजह से छात्रों का जो स्कॉलरशिप है वह समय से नहीं आ पाता है, तो इसमें जो है कॉलेजों का भी यह दायित्व बनता है
कि गवर्नमेंट ने जो भी डेट को बताया है अगर वह उस डेट को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो सभी छात्रों की स्कॉलरशिप जो है 28 दिसंबर तक उनके अकाउंट में आ जाएगी। तो हो सके तो आप इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दें या फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे क्या होगा कि आपके साथ साथ जो है उनको भी इस स्कॉलरशिप के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और वे समय से जो है अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को भरने का कार्य और इसके साथ साथ जो है कॉलेज में जमा करने का कार्य और इसके साथ साथ जो आपके टीचर हैं वह कॉलेज में आपके डेटा को चेक करके जिला समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड करने का काम जो है 15 नवंबर तक पूरा कर पाएंगे, जिसके वजह से आपकी स्कॉलरशिप समय से आपके अकाउंट में आ पाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट आपको इस चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।